अच्छे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दैनिक भास्कर आज का न्यूज़पेपर है 27 सितंबर। आप यहां देखिए, सीएम ने ट्वीट किया है कि 20 से 25 साल से नौकरी कर रहे कर्मी नियमित होंगे और ये 15 साल पुरानी नीति है। आइए खबर थोड़ा देखते हैं। वर्ष 2003-04 में इनेलो सरकार ने बनाई थी और कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि सरकार नई पॉलिसी बनाकर सभी को नियुक्ति दे, लेकिन सरकार हरियाणा सरकार कह रही है कि 15 साल पुरानी नीति जो इनेलो के कार्यकाल में बनी थी, यानी कि आज से 20-25 साल पहले नौकरी कर रहे लोग ही पक्के होंगे। प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 20-25 वर्ष से ज़्यादा समय से एडहॉक वर्क चार्ज और पार्ट टाइम नौकरी कर रहे कर्मचारियों को इनेलो सरकार के समय से बनी नीति के अनुसार रेगुलर किया जाएगा। मनोहर लाल ने वर्ष 2003 और 4 की नियमितीकरण पॉलिसियों के तहत इन्हें नियमित करने की मंजूरी दे दी है। 2003 और 4 की क्या नीति थी, आइए देखते हैं। वर्ष 2003 में चौटाला सरकार में कर्मचारियों को नियमित करने की पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत 3 साल तक रेगुलर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया था। इसके बाद सरकार ने अगले ही साल 2004 में इस पॉलिसी में संशोधन कर नई पॉलिसी बना दी। इसमें 31 जनवरी 1996 से पहले ड्यूटी पर लगा होना और 1 महीने से ज़्यादा का गैप न होने की शर्त जोड़ दी गई थी। तो ये है जो नीति बनी थी 2003-04 में। यहाँ देखिए, मई में हाई कोर्ट की ओर से हुडा सरकार की ओर से 2014 में नियमितीकरण की बनाई 4 पॉलिसी को रद्द कर दिया था, जिसमें 4645 कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को हाई कोर्ट ने इन्हें हटाकर 6 महीने में नई भर्ती करने का आदेश दिया था। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को विशेष याचिका लगाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि 20-25 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारी ही नियमित होंगे। आगे क्या अपडेट रहती है, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।